boss, yes, boss. Yes, boss. मीरा जी, वर्मा जी और स्टाफ मेंबर्स, मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, इसलिए हम सब लग क्या कर क्या रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं सर? मैं अपनी जगह ले रहा हूँ सर. सर सर आप क्यों जोर से चिल्ला रहे हैं सर? बीपी साहब कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं. कहिए सर. मीरा जी बोलो. हो गया आपका जी? मैं बोलूं? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि चुप रहिए आप. क्या मैं ऐसे कह रहा हूँ सर, ये मीरा जी कान में कुछ खुजर-बुजर कर रहे हैं. सर बार बार क्यों बात कर रहे हैं सर? बीपी साहब कुछ कहना चाहते हैं, कहने दीजिए ना सर. कहिए सर, कहिए सर. सुनिए, हमारी दिल्ली ऑफिस का सर्कुलर आया है कि पिछले साल हिंदी दिवस पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया गया था हमारी ऑफिस को छोड़कर. वो क्यों नहीं मनाया गया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इट्स वेरी बैड. बहुत बुरी बात है. आप क्यों बोल रहे हो बीच में? सर आपने खुद कहा कि हिंदी दिवस मनाना है, तो मैं आपकी बात का अनुवाद कर रहा हूँ सर. आप अगर कोई भी बीच में बोला ना तो मैं उसे मीटिंग से निकाल दूंगा. हाँ सुन लिया आपने? ये बोले सर, निकालिए सर, प्लीज निकालिए सर. शट अप मोहन जी, आप बचपना बंद कीजिए. अब अगर कोई बोला ना तो मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. क्या हुआ इसको? खुशी से नाटक कर रहे हैं. दिल्ली ऑफिस चाहती है कि ये साल हम हिंदी दिवस हिंदी भाषा का कोई मनोरंजन कार्यक्रम करके मनाए. सर कथक डांस कैसा रहेगा? कथक डांस और मैं नाचूंगा सर, कॉमेडी हो जाएगी. चला तो खड़ा रहता है तो कॉमेडी होती है. सर आप कहें तो मैं कुछ कहूं? बताओ. सर मेरे पास एक हिंदी का नाटक है जिसमें सब इन्वॉल्व हो सकते हैं. गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया तनवीर. ठीक है, फिर ये सारे प्रोग्राम की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी तनवीर. अच्छा ये बताओ तनवीर, किस नाटक को डायरेक्ट कौन करेगा? वेल सर, कॉलेज में तो मैंने ही किया था, अब आप जैसा कहें सर. नहीं, आप ही करिए, आप ही करिए. यू आर अ कैपेबल मैन. क्यों मेरा जी? ठीक है तनवीर, मुझे उस नाटक का नाम बताओ. लैला मजनू. लैला मजनू? अरे इस नाटक में तो मैंने बचपन में रोल किया था. कौन सा रोल किया था सर? लैला का. मैं बॉय स्कूल में पढ़ता था, वहां पे मधु की माँ भी बॉय ही थी. बाय द वे, आई मीन बाय द वे, इस नाटक की स्टार कास्ट क्या होगी तनवीर? सर मैं कल तक डिसाइड करके बता दूंगा. भाई देखो स्टार कास्ट जो भी हो आई डोंट केयर, बट लेकिन लैला का रोल जो है ना, लैला का जो रोल है वो हमारी मीरा जी करेंगी भाई. राइट मीरा जी, व्हाट एन आईडिया. ऑलराइट मीरा जी, अग्री जी. क्या लैला का रोल मीरा करने वाली है? या बिल्कुल नहीं यार, किस नहीं. क्यों? अरे तुम लोग जानते नहीं, लैला माशाल्लाह एक खूबसूरत औरत थी. तुम जानते हो मेरा नाम किसने सजेस्ट किया है? किसने? वर्मा साहब ने. अरे वो तो करेंगे ही, मालूम है क्यों? क्यों? वो खुद जो तुम्हारे मजनू है. लेकिन देख मोहन, कुछ भी हो तू मीरा मैडम का नाम अपोज मत कर, वरना लैला का रोल प्ले करने के लिए हमारे ऑफिस में और कोई नहीं है. देखो भाई लैला जो मर्जी करे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. ओके पहले ये तय कर लो कि मजनू का रोल कौन करने वाला है. भाई ये तो अभी तक तय नहीं हुआ है. मोहन जी आप सजेस्ट कीजिए. जहाँ तक मेरा ख्याल है पूरे ऑफिस में अगर देखा जाए तो मजनू का रोल प्ले करने के लिए सिर्फ एक ही आदमी है. कौन? कौन? वो है यंग, डायनामिक, डैशिंग, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, वल्ला वल्ला, मोहन श्रीवास्तव. हाय अल्लाह. नहीं मोहन जी, आप और मजनू. नहीं नहीं नहीं, देखो ये नहीं हो सकता. क्यों क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? भाई जैसे ही वर्मा साहब को पता चलेगा कि मजनू का रोल तू प्ले कर रहा है तो वो नाटक क्या पूरा का पूरा हिंदी दिवस ही कैंसिल कर देंगे. अरे तो हम उनको बताएंगे नहीं ना. मतलब सीधा प्लेट दिखाएंगे. ओ लैला, मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूँ, आओ मेरे आगोश में आ जाओ लैला. चल किरदार में दाखिल हो. लैला. विनोद, विनोद डार्लिंग, विनोद स्वीटी. क्या है विनोद? मैंने सुना है कि तुम्हारी ऑफिस में हिंदी दिवस मनाया जाने वाला है. हाँ तो तो उस दिन नाटक होगा क्या? हाँ तो. तो विनोद मैं भी आऊंगी हूँ उस दिन देखने नाटक. देखेंगे देखेंगे. विनोद हम उस दिन है ना ऐसे साथ बैठ के नाटक देखेंगे. जब होगा तब देखेंगे बाबा. अरे क्या देखेंगे क्या देखेंगे, तुम्हारी ऑफिस में नाटक हो रहा है और मैं नहीं आऊँ. अरे बाबा उस वक्त बड़े बड़े वीवीआईपी आएंगे, मैं तुम्हें कैसे अटेंड करूंगा? तुम्हें अटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं नाटक मीरा जी के साथ बैठ के देखने वाली हूँ. मीरा जी खुद पार्टिसिपेट कर रही है प्रोग्राम में. कहीं उनका डांस वांस तो नहीं है तुम्हारे साथ? बंद करो अपनी बेहुदा बातें, समझी तुम? ओके ओके, तो क्या कर रही है मीरा जी? अरे मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत बिजी रहता हूँ ऑफिस में. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन दैट. हेलो सर. तुम कैसे आ गए भाई? सर वो क्या है कि मैं एक्टर लोगों की कॉस्ट्यूम खरीदने जा रहा हूँ ना ड्रेस वाले के पास, तो आपके साइन चाहिए थे इस चेक. कल आप ऑफिस आज में आइएगा मेरे केबिन में. सॉरी सर, ऑफिस में तो सारा दिन रिहर्सल चलती रहती है, कहाँ टाइम मिलेगा सर यहाँ. कैसे चल रही रिहर्सल? सर अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो अच्छी चल रही होगी. इनफैक्ट बहुत उम्दा, बहुत सलीस, बहुत शफाफ सर. अच्छा अच्छा अच्छा, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें? सर आप शो वाले दिन ही देख लीजिएगा.
आइएगा, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू सर। और मैडम आप जरूर आइएगा। ऑफ कोर्स तन्वीर, वैसे नाटक का नाम क्या है? सर ने आपको बताया नहीं? नहीं। लैला मजनू। चलो चलो चलो, निकलो। मैडम आप आइएगा जरूर। मीरा मैडम लैला का रोल प्ले कर रही है। बाय सर। तुम रो क्यों रही हो? इसलिए कि मीरा जी लैला का रोल प्ले कर रही है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तो बाथरूम में जाकर रो, बाथरूम में जाके। मनहूस कहीं की इसी बात पर मुंह खोल कर रोती है। ऑफिस में तो कुत्ते लौट रहे। शीतल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहाँ है सब लोग भाई? ऑफिस में कोई भी नहीं सर। वो ड्रामे की रिहर्सल चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ चल रही है रिहर्सल? अरे वर्मा जी, अच्छा हुआ आप मिल गए। अभी अभी दिल्ली से प्रेसिडेंट साहब का फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि नाटक की रिहर्सल कैसी चल रही है। आप मॉनिटर कर रहे हो ना, रिहर्सल देख रहे हो ना? सर मैं बिजी था। मैं छोड़ दीजिए, सब काम छोड़ दीजिए, नाटक पे ध्यान दीजिए, वरना हमारी नाक कट जाएगी। डोंट वरी, मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा रिहर्सल। प्लीज टेक केयर। हां विल आई। भाई कहाँ चल रही है सर? कॉफी लाओ कॉफी। साधु रिहर्सल कहाँ चल रही है? पता नहीं सर, पता नहीं। सुबह से शाम तक आप लोग गायब रहते, जाते कहाँ हैं आप लोग? रिहर्सल में सर। तो आपने ये क्यों कहा? पता नहीं। पता नहीं सर, मैंने पता नहीं क्यों कहा। शीतल कहाँ चल रही रिहर्सल? क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, मच्छर मार रहा हूँ। शीतल बताओ मुझे कहाँ चल रही रिहर्सल? सर मैं बताता हूँ, तनवीर ने कहा है कि आपको सीधा फाइनल रिहर्सल दिखाएंगे। Oh, I understood. Now you guys are playing games with me, right? Sir, सुनिए सर। चलिए मैडम, अब डायलॉग तो याद हो गए होंगे, अब इमोशंस करते हैं। मैं आपको प्रॉम्प्ट करता हूँ, ठीक है? आप डेजर्ट में हैं और आप जोर जोर से कह रही हैं, कैश तुम कहाँ हो कैश? तुम्हारी लैला तुम्हें पुकार रही है कैश। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी लैला इस रेगिस्तान में तड़प तड़प कर जान दे देगी कैश। मैं बोलूं? या ओके। केस कहाँ हो तुम? केस नहीं मैम, केस के नीचे नुक्ता मैम। केस कहाँ हो तुम? अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी लैला तड़प तड़प के रेगिस्तान में जान दे देगी। ना 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 लैला ना, मैं आ गया। केस तुम आ गए? सूट केस थोड़ी हूँ मैं, कम ऑन, इसे केस केस। हाँ केस, हाँ जो भी है। मैं आ गया हूँ लैला, मैं आ गया हूँ। हम दोनों एक साथ मोहब्बत की राहों में रहेंगे, एक दूसरे की बाहों में रहेंगे, मर के ऊपर गए तो खुदा की पनाहों में रहेंगे। लिखा लिखा मेरी कसम खा, खाई कसम खाई। ये कौन है, ये कौन बदतमीज इंसान है जो इतनी निहायत खूबसूरत रिहर्सल के बीच में बोला? मेरा जी, जी क्या हो रहा है? सर ही केस सर। हाँ लैला मजनू की रिहर्सल चल रही है सर। लैला मजनू में केस कौन? सर केस मतलब मजनू सर, मजनू। He is the surprise packet of the play. ये सरप्राइज नहीं, शॉक। तनवीर सर, सीविन में केविन। यस सर, आप चलिए मैं आता हूँ। मोहन मैंने तुझे कहा था ना, मैंने तुझे कहा था, अब फंस गए ना, मरवा दिया ना तूने। शट अप शट अप सर, कम ऑन लेट्स जस्ट कंटिन्यू। अरे तुम्हारा शौक है और उन्हें शौक है। यस सर। सर के बच्चे, तुमने इतना इंपॉर्टेंट मजनू का रोल मोंजू को दे दिया? ये सर कितना अच्छा कर रहे हैं ना। हाँ अच्छा कर रहे हैं ना, खड़े रह सकते हैं ना, बात करने की तमीज है, अच्छा कर। आई एम सॉरी सर, और कोई सूटेबल एक्टर मिला ही नहीं। तो प्ले चेंज कर दीजिए ना फिर आप। आपको मालूम है मजनू एक आशिक था, हलवाई नहीं था। और मोंजू कितने मोटे हैं, अगर मोहब्बत मोटी है तो मोहब्बत नहीं वो अय्याशी है। लेकिन सर मॉडर्न मजनू को ऐसा ही होना चाहिए। देखिए हम ऑथेंटिक प्ले बना रहे हैं, मजनू शुड लुक लाइक गरीब थका हुआ भूखा प्यासा, उसके चेहरे पर दर्द होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए। ठीक है सर मैं समझता हूँ, लेकिन सर लास्ट मिनट में ऐसा रिप्लेसमेंट एक्टर कहाँ मिलेगा? अगर आप चाहें तो मैं कर सकता हूँ। आप अभी मैंने बहुत सारे प्लेस किए हैं कॉलेज में, मोर देन 50-60 प्लेस। अभी मैंने प्रोफेशनल थिएटर भी किया कुछ दिनों तक। आई एम क्वाइट कॉम्फिडेंट। ओह माय गॉड सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको नाटकों में इतनी दिलचस्पी है, वरना आप तो मजनू के रोल के लिए एकदम परफेक्ट है सर। शक्ल से ही भूखे प्यासे लगते हैं सर आप। डोंट ट्राई टू बी फनी। रिप्लेस मोहन जी। लेकिन सर देखिए, मोहन जी और मीरा मैडम अपने अपने किरदार में बहुत गहरे जा चुके हैं। अगर मोहन जी अपने किरदार में बहुत गहरे चले गए ना, तो मैं उनको गर्दन से पकड़ के बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन सर वो जो जहर पीने वाला सीन है, मोहन क्या कमाल करते हैं सर, कमाल। अगर मोहन जी को आपने रिप्लेस नहीं किया ना, तो वो जहर पीने वाला सीन आप मोहन जी नहीं करेंगे, आप करेंगे और वो जहर असली होगा, फिर देखिए कमाल। लेकिन सर इतने दिनों से हम जो रिहर्सल कर रहे हैं, वो दोबारा इतने कम समय में कैसे हो सकेगी? शट अप। आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं रात भर स्क्रिप्ट याद करूंगा, सारे डायलॉग सुना दूंगा आपको। मैंने तो शुरू से रिप्लेसमेंट में काम किया है, अब मैं तो एक रात में पूरा प्ले खड़ा करता हूँ। लेकिन सर मीरा मैडम के साथ जो रिहर्सल्स की जरूरत है वो कौन करेगा? डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। आप मेरे साथ रिहर्सल करेंगे, मैं मीरा जी के साथ करूंगा, राइट? दैट्स व्हाट्स बेटर। ठीक है सर, इफ यू इंसिस्ट, मेरे पास चारा ही क्या है, आज से आप मजनू सर। दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म माय फ्रेंड, कैरी ऑन, गुड वर्क।
Yeah. I'm going to be the marshal. Laila, तुम्हारा ये कैस अपनी आखिरी सांस पे सांस नहीं सांस सांस अपनी आखिरी सांस पर रहा है इस रेगिस्तान में इसके सूखे गले में दो पानी की बूंद डाल दो लैला दो पानी की बूंद डाल दो ये क्या बदतमीजी है इडियट तुमने बोला ना दो पानी की बूंद डाल दो मैं अपने नाटक के डायलॉग्स याद कर रहा था फॉर गॉड सेक्स नाटक के डायलॉग्स हाँ क्योंकि मैं अब मजनू प्ले कर रहा हूँ नाटक में क्या तुम मजनू प्ले कर रहे हो प्लीज मुझे डायलॉग याद करने में मेरी मदद करो प्लीज हेल्प मी आउट कौन सा डायलॉग ये लैला का ये देखो ये ना ये पिघला लेट मी फिर लैला मजनू की बाहों में पिघल सी जाती है ये लैला कौन है जो पिघल रही है तुम्हारी बाहों में मीरा जी ना अरे इधर छोड़ो तुम ही बताओ कि तुम मेरी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे किसमें पिघलने में मुझसे गलती हुई मैं तुमसे तुमसे हेल्प मांगी फॉर गॉड सेक्स आई थिंक आई शुड गो टू मीरा जीज हाउस वो ही मेरी हेल्प करेंगी आई विल रिहर्स विद हर आई विल गेट द हैंग ऑफ द कैरेक्टर विनोद 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 दो फुल पानी लेते जाओ विनोद मजा आ गया मीरा डार्लिंग तुम्हारे हाथों में जादू है जादू लग रहा है जैसे मैं जन्नत के झूले झूल रहा हूँ सो स्वीट मोहन मीरा ये जो बादाम का तेल है ना ये मोहन के सर में जरा अच्छी तरह से मलना हो सकता है उसकी वजह से इसका दिमाग जरा ठीक से चलने लगे अरे बुढ़िया कभी तो रोमांस करने दिया करो पति पत्नी को कभी तो अकेला छोड़ो वरना घर में खुशियाँ कहाँ से आएंगी हमेशा भटकती आत्मा की तरह घूमती रहती हूँ हमारे आसपास जा रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ माँ बेटे मेरी वो सहेली है ना पुष्पा हाँ उसकी बहू की गोद भराई है अच्छा अच्छा अरे तो जाओ ना बच्चा हो जाएगा उसके बाद जाओगी गोद भराई भी जा रही तो जाओ ना फिर मेरी माँ जाओ जा रही हूँ मेरे बाप मीरा 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 डार्लिंग शादी के बाद तुम्हारी उंगलियां सख्त हो गई हैं मीरा जी कहीं मैं ना कोई डिस्टर्ब सर आप इस वक्त रात को सर मीरा जी का मैं पूछ सकता हूँ कि ये क्या हो रहा था सर ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं सर आप बॉस हैं आप कुछ भी पूछ सकते हैं सर ये रिहर्सल हो रही थी सर हमारे प्ले की रिहर्सल हो रही थी सर जी सर मजनू की रिहर्सल बिल्कुल बिल्कुल सर करेक्ट सर वो क्या है कि एक आध सीन ऐसा था जो ठीक से बैठा नहीं तो उसको बिठा रहे थे लेकिन आप कुछ ज्यादा ठीक से बैठे हुए हैं लेकिन माफ कीजिएगा ऐसा कोई भी सीन नहीं है उस प्ले में जिसमें हीरो सोफे बैठा हुआ है और हीरो ने उसके बालों में तेल लगा है सर है आई कैन शो यू द स्क्रिप्ट मेरे पास पूरी स्क्रिप्ट है बाउंड स्क्रिप्ट मैंने अभी भी ये स्क्रिप्ट पढ़ी ऐसा कोई भी सीन नहीं है यू अंडरस्टैंड सर समझे नहीं सर क्या है कि ये जो सीन है ये मान लिया आई एग्री विद यू ये स्क्रिप्ट में नहीं है आई एग्री विद यू लेकिन जो अगला सीन है वो इस सीन की उठान है ये सीन हम इसलिए रिहर्स कर रहे हैं या इस सीन को हमने इम्प्रोवाइज किया है सर लेकिन मैंने भी एक इम्प्रोवाइजेशन की है मीरा जी अच्छा क्या सर क्या आपको जान के खुशी होगी कि मजनू का रोल जो पहले मोहन जी कर रहे थे अब विनोद वर्मा का क्या आई एम श्योर कि मजनू इज नॉट going to look like him itna mota bhadda shit pyar aur jang mein sab jaiz hai nahi ye varma sahab nahi bol payenge cut tumse pyar ho gaya hai ye main varma sahab ko bolne nahi dunga kya tanveer tumhari play ki rehearsal kahan tak pahunchi are khak pahunchi kahan pahunchni hai जो मैं कल तक मोहन के साथ रिहर्स कर रहा था आज शुरू से मुझे वर्मा साहब के साथ करना पड़ेगा क्या ये बात मोहन जी को पता है अरे मोहन जी को पता चल जाएगा ना तो बेचारे नाराज हो जाएंगे पता है तन्वीर तूने अच्छा नहीं किया दोस्त तूने अच्छा नहीं किया तूने मेरा रोल वर्मा साहब को दे दिया नहीं दिया नहीं उन्होंने छीन लिया लेकिन तूने मना नहीं किया उनको नहीं क्यों लेकिन क्यों मुझे मेरी नौकरी प्यारी है मतलब वो सारे रोमांटिक सीन जो कल तक मैं कर रहा था मीरा के साथ अब बॉश करेगा हाँ अरे भाई तन्वीर मीरा जी और मैं तुम्हारा वेट कर रहे रिहर्सल्स के लिए तुम यहाँ वेस्ट कर रहे लोगों से टाइम कम ऑन यार डायरेक्टर कहाँ तक पूछी तुम्हारी नाटक की तैयारी अरे सर हमारा नाटक सुपर डुपर हिट है सर वेरी गुड मोहन जी आप क्यों खामोश है सर मैं जो रोल कर रहा था वो तन्वीर ने छीन कर वर्मा साहब को दे दिया अच्छा कौन सा रोल कर रहा है मेन रोल सर मजनू का रोल अरे मजनू के रोल के लिए तो परफेक्ट कास्टिंग है इनको एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी लेकिन सर मैं कौन सा रोल करूंगा अभी एक मिनट कुछ करते हैं मजनू के घर में कोई नौकर है नहीं सर तो क्रिएट करो रोल मोहन को दे दो समझे प्रैक्टिस करो अरे भाई तन्वीर मुझे सम टाइम फॉर रिहर्सल्स मुझे स्पेशली दोस रोमांटिक सीन जिसमें वो मुझे फील चाहिए अंदर से आई नीड सम रिहर्सल हरिया सर आप दीवारों के साथ एक्टिंग करिए मैं आ रहा हूँ
जहांगीर के बच्चे। क्या हुआ? आज तक तूने मेरी दोस्ती देखी है, अब तू मेरी दुश्मनी देख। मोहन प्लीज ऐसा मत कह, तू मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरी मांग नहीं उजड़ने दूंगा। मांग? फ्रेंड्स, आज रिहर्सल का आखिरी दिन है और कल हम वीपी साहब के सामने डायरेक्ट फाइनल रिहर्सल पेश करेंगे। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। मैंने तुमसे कहा था तनवीर कि मैं एक रात में प्ले खड़े करता हूँ। यस सर। मैंने खड़ा कर दिया। यस सर। अच्छा ये बताइए कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मजनू लैला को अपनी बाहों में भर के बोलता है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। Yes. यार इस सीन की मुझे फील नहीं आ रही है। यू नो आई वांट टू हैव द हैंग ऑफ इट। तो आई वुड लाइक टू परफॉर्म इट अगेन। होल्ड इट, मेरा जी आइए परफॉर्म करते हैं। सर एक बात तो बताना मैं भूल ही गई। क्या बात? सर अभी सीन नहीं होगा। क्यों? मुझे नहीं पता सर, डायरेक्टर साहब ने कहा है, उनसे पूछिए। सर वो क्या है कि राइटर साहब ने सीन चेंज कर दिया। लेकिन कल तो मजनू लैला को अपनी बाहों में बार बार भर रहा था यार। हाँ, सीन इतना ऑन आइस। करेक्ट सर, करेक्ट, वही सब बदल गया, सब चेंज। और वो सीन जिसमें लैला मजनू को अपनी गोद में लिटा के पानी पिलाती, उसका क्या होगा यार? वो भी गया सर, वो भी गया। वो क्या? अभी क्या चेंज कर दिया हमने। अभी क्या है कि वो मजनू क्या करेगा, सामने म्युनिसिपैलिटी का नल है, वहां पर जाएगा, वहां से पानी पिएगा, फिर लैला चिल्लाएगी केस केस, पानी मत पी, उसमें गटर का पानी मिक्स है। और फिर? लेकिन वो सुनेगा थोड़ी, पागल है ना, पागल है, पी लेगा। फिर मजनू नल के नीचे अपना दम तोड़ देगा, वही मर जाएगा, वही पर दी एंड। लेकिन मेरा जी सीन तो कुछ और था भाई, जिसमें मजनू अपनी लैला की गोद में दम तोड़ता है भाई। अब सर क्या करें सर, राइटर का ऑर्डर था, मानना तो पड़ेगा। ये राइटर कौन है जो घड़ी घड़ी सीन चेंज करता है? मुझे नाम बताइए जरा उसका प्लीज। सर उनका नाम है श्री मोहन श्रीवास्तवा। सर इन्होंने ही रीराइट किया है इस प्ले को। अरे मेरा जी होल्ड इट। मैंने क्या कहा आपसे कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है ना वही रहेगी, समझे आप? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं। इन्होंने ओके कर दिया है। मेरा जी लेट्स रिहर्स ऑल ओवर अगेन। ओके आई एम गेम। आइए। प्यारे साथियों और हमारे आदरणीय वीपी साहब, हिंदी दिवस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए पेश है आप सबके सामने हमारा हिंदी हास्य नाटक लैला मजनू, जिसमें लैला का किरदार निभा रही हैं हमारी अपनी मीरा मैडम। मैडम 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 मैडम। और मजनू के किरदार में है हमारे अपने हर दिल अजीज, अपने प्यारे, अपने दुलारे। एक रोल कितने आदमी कर रहे हैं सर? ओनली वन एंड ओनली श्री विनोद वर्मा। लैला, ये मजनू तुम्हारी याद में इस बियाबान रेगिस्तान में तड़प रहा है, जल रहा है सिर्फ तुम्हारी याद। न भूख लगती है न प्यास लगती है लैला, सिर्फ तुम्हारी याद, सिर्फ तुम्हारी याद। आओ राख मेरे आगोश में आ जाओ। लैला मैं लैला, कैसी मैं लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। ओ लैला। मोहन जी आप सर जी, अब अगर मजनू का रोल आप कर सकते हैं तो फिर लैला का रोल मैं क्यों नहीं कर सकता? मीरा जी कहाँ हैं? सर 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 सर, आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत बड़ा नाटक क्रिएट कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं वो? सर वो मुझे नाटक में काम करने नहीं दे रहे सर, अलाउ नहीं कर रहे, इसलिए मेरी जगह मोहन जी लैला का रोल करेंगे सर। मजनू डार्लिंग आई लव यू। ओह माय गॉड।